विद द नेम ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, मरकंटाइल्ला। क्वेश्चन 6, राइट अ नोट ऑन, मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, डिवाइडेंड्स, शेयर सर्टिफिकेट, मेंबर इंटरसी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एम्प्लॉयड अथॉरिटीज ऑफ द पार्टनर्स इन फर्म, कंट्रीब्यूटरीज। ये टॉपिक सारे पूछे गए हैं 2009, 13, 10, 12, 13 फ्रॉम PU यूनिवर्सिटी। फॉर ऑल दीज टॉपिक्स यू कैन गैदर सिंगल आंसर एंड ऑडियो लेक्चर व्हाट्सएप 0333-4655-305। This is your host, Advocate M.K. Bhutta. First topic is dividends, jiska matlab hai bonus. A share of the after-tax profit of a company. Company ko 5 lakh profit hua hai. Company ne uske upar 1 lakh रुपया टैक्स दे दिया, बाकी बचे 4 lakh, ये 4 lakh 7 शेयर होल्डर्स में तकसीम कर दें तो ये डिवाइडेंड्स होगा, यानी कि ये प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो टैक्स देने के बाद बाकी होगा वो डिवाइडेंड्स की सूरत में शेयर होल्डर्स को दे दिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स शेयर होल्डर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड क्लास ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। कई किस्म के शेयर्स होते हैं और शेयर्स की तादाद है, जिसके पास 5000 शेयर्स हैं उसको जहरी बात है ज़्यादा डिवाइडेंड मिलेगा, ज़्यादा बोनस मिलेगा, जिसके पास थोड़े नंबर में शेयर्स हैं उसका थोड़ा हिस्सा बनेगा। इसी तरह क्लास भी है शेयर्स की, रिस्की है अगर शेयर तो फिर प्रॉफिट भी बोनस भी ज़्यादा जाएगा, लेस रिस्की है तो कम जाएगा। स्मॉलर कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स एट द एंड ऑफ एनी काउंटिंग ईयर, एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अक्सर जो छोटी कंपनीज हैं वो डिविडेंड साल के आखिर में देती हैं, जबकि लार्जर या पब्लिक कंपनीज वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं एट एवरी क्वार्टर, हर 3 मंथ्स के बाद साल के चौथे हिस्से में दे देती हैं। द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ डिविडेंड्स इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। सिंपल बात, डिविडेंड्स बोनस है, तोहफा है, कंपनी को प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स देने के बाद कंपनी बाकी रकम को अपने शेयर होल्डर्स में तोहफे के तौर पर तकसीम कर देती है। डिविडेंड्स साल के आखिर में दिया जाता है, डिविडेंड हर 3 मंथ्स के बाद दिया जाता है, और कब देना है डिविडेंड्स ये डिसाइड करेंगे डायरेक्टर साहब। नेक्स्ट टॉपिक है शेयर सर्टिफिकेट। आप कंपनी में जाते हैं, शेल कंपनी में, उसका आप शेयर खरीदते हैं तो बदले में वो कोई आपको भी डॉक्यूमेंट देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, बड़ा सोना डॉक्यूमेंट होगा, जैसे कि मैट्रिक की सनद होती है। तो शेल आपको दे रही है एक सर्टिफिकेट, इस पर क्या लिखा होगा? इसे शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। आ शेयर सर्टिफिकेट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट साइंड ऑन बिहाफ ऑफ अ कॉरपोरेशन। वो जो कॉरपोरेशन कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड, उसके सिग्नेचर होंगे, सील होगी, लीगल प्रूफ ऑफ ओनरशिप,
ये प्रूफ है कि आप भी कंपनी के इतने शेयर्स में मालिक हैं। टू की इंफॉर्मेशन, और अहम तरीन इंफॉर्मेशन होगी इस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर, आपका नाम होगा, एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर होगा, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, कितने शेयर्स आपने लिखे लिए हैं, क्लास ऑफ शेयर्स, कौन से शेयर्स लिए हैं, आपने सब्ज वाले लिए हैं या आपने रेड वाले लिए हैं, खतरे वाले लिए हैं कि आपने कम रिस्क वाले लिए हैं, अमाउंट पेड ऑन दोज शेयर्स, और शेयर लेते वक्त आपने कितना पैसा दिया है। शेयर सर्टिफिकेट आसान है, नेट पर इसकी शक्ल देख लें। नेक्स्ट टॉपिक इज मेंबर एंटर सी। एंटर सी, देखो अंदर, देमसेल्व्स, एमंग, आपस में, ये इसका मतलब है, मेंबर्स का आपस का मामला। इस लफ्ज का, इस टर्म का मतलब है, द फ्रेज इज यूज टू डिस्टिंग्विश राइट्स एंड ड्यूटीज। आपने राइट्स एंड ड्यूटीज को अलग करना है, मुनफरद रखना है, बिटवीन टू और मोर पार्टीज फ्रॉम अदर्स। दो पार्टीज या दो से ज़्यादा पार्टीज के दरमियान ये डिस्टिंग्विश करना कि किसके राइट्स क्या हैं, किसकी ड्यूटीज क्या हैं। यार सिंपल ध्यान में रखना, आपस में राइट्स एंड ड्यूटीज का मामला, मेंबर्स इंटरसी। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मीटिंग होती है कंपनी की, डायरेक्टर बैठे होते हैं, मेंबर्स बैठे होते हैं, ऑडिटर बैठा होता है, किसी मामले पर कोई डिसीजन लेना होता है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं कि वक्ती तौर पर ये रेजोल्यूशन है, इस काम को हम ऐसे करेंगे। इट इज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन। ये कोई कमाल, ये कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होती। इट मे बी फॉर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। अक्सर औकात ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती है अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स के लिए, कि अकाउंट की आपने जो शीट दी है वो ठीक है। इट रिक्वायर्स ऑर्डिनरी मेजोरिटी, और थोड़े लोगों की ज़रूरत होती है इसको पास करने के लिए। जैसा कि अगर बैठे हुए लोग डायरेक्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, हाफ ने भी इसके हक में वोट दे दिया, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाती है, इसे अडॉप्ट कर लिया जाता है, इसे पास कर दिया जाता है। नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल नोटिस। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अगर आपने मीटिंग में पास करानी है, तो उसके लिए अलग से आपको तमाम मेंबरान को नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं, जबकि स्पेशल रेजोल्यूशन में आपको स्पेशल नोटिस भेजना पड़ता है कि जी आज हमने एक रेजोल्यूशन भी पास करनी है फिलहाल इश्यू से मुतल्लिक। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि एक कोई बात तमाम लोगों से मनवाना, एक्सेप्ट कराना, उनके सिग्नेचर लेना। हम कंपनी का नाम ही तब्दील कर रहे हैं, हम कंपनी का ऑब्जेक्ट तब्दील कर रहे हैं कि आज के बाद कंपनी लोगों को एजुकेशन नहीं देगी, बल्कि उनको बिजनेस डायरेक्ट जाके करवाएगी प्रैक्टिकल। तो ये ऑब्जेक्ट बदल गया, तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन है। अगर अकाउंट के मामले आते हैं, छोटे मामले आते हैं, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी से क्या मुराद है? इनकॉर्पोरेटेड फर्म विदाउट शेयर कैपिटल, ऐसी रजिस्टर्ड फर्म जिसके पास पैसा ना हो लेकिन वो गारंटी उसके पास हो। लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट ईच वन हैज टू कंट्रीब्यूट एट द टाइम द फर्म इज वाउंड अप। उसके मेंबर्स की जिम्मेदारी लिमिटेड हो जाती है पैसों के हवाले से। 10 लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं, पैसा वो थोड़ा थोड़ा डालते हैं, लेकिन बड़ा कैपिटल उनके पास नहीं होता।
तो गारंटी होती है कि कंपनी की ये फिलहाल प्रॉपर्टी है सपोज इस तरह से, और जब कंपनी वाउंड अप होगी बंद होगी तो उस वक्त मेंबर्स अपना पैसा उठाकर भागेंगे नहीं, जब वाइंड अप होगा तो फिर लिक्विडेटर आकर डिसाइड करेगा। यानी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, आपने किसी चीज़ की, बैंक आपकी गारंटी दे सकता है, कोई प्रॉपर्टी आपकी गारंटी दे सकती है, कोई फेमस पर्सन दे सकता है ऐसा जिसके पास काफ़ी माल हो। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इसका मतलब है अंदर खाते मामला बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहेगा, शेयर होल्डर को उसमें पोक करने की देखने की जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? होता है ऐसा, आपने शेयर खरीदे हुए हैं, आप कंपनी के अंदर जाकर उसकी मैनेजमेंट तो रोजाना नहीं देखते, कंपनी ठीक चल रही नहीं चल रही, आप अंडरस्टूड कर लेते हैं कि इनडोर मैनेजमेंट ठीक ही है अनटिल के कोई ऐसा काम ना हो जाए जिस पर आप जाकर लाजमी फिर आप इन्वॉल्वमेंट अपनी डालेंगे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन पर्संस डीलिंग विद द कंपनी नीड नॉट इंक्वायर, जो लोग कंपनी से डील कर रहे हैं उनको इंक्वायर करने की ज़रूरत नहीं वेदर इंटरनल प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो अंदर खाते मामला है अमल है और फॉलोड करेक्टली, क्या वो ठीक ठाक चल रहा है। क्यों? वंस दे आर सेटिस्फाइड, एक बार जब वो खुद सेटिस्फाई हो जाते हैं दैट द बिजनेस इज इन अकॉर्डेंस विद द मेमोरेंडम, एक बार सेटिस्फाई हो गए कि बिजनेस मेमोरेंडम के मुताबिक चल रहा है एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक चल रहा है, तो फिर जो भी लोग कंपनी से डील कर रहे हैं, चाहे बैंक है, चाहे शेयर होल्डर है, चाहे डिबेंचर वाला है, वो कंपनी में जाकर नहीं देखता और कहता है ये कंपनी के अंदर का मामला है, अंदर की इंडोर मैनेजमेंट है। एक्सेप्शन, इरेगुलरिटी, हाँ अगर कोई इरेगुलरिटी आ गई है, चलते चलते सिस्टम में कोई छुट्टियां आ गई हैं या कुछ सुनामी आ गया है या कोई ब्रेक दरमियान में आ गई है बड़ी, इरेगुलरिटी के अंदर आप फिर इंडोर मैनेजमेंट को देखते हैं जाकर। नेग्लिजेंस कोई हो गई है कंपनी की तरफ से, फिर आप कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं। फोरग्री, फोरग्री का मतलब है फेक, कि अगर कंपनी में कुछ फेक हुआ है, कंपनी फेक निकल आई है या कंपनी ने कुछ गलत बयानी की है, तो फिर आप इंडोर मैनेजमेंट में चले जाते हैं। अदरवाइज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये है कि आपको कंपनी में आने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी ठीक ठाक चलती रहेगी। तो क्या क्या हेडिंग देंगे इसके अंदर? हेडिंग नहीं, इसके अंदर बस आपने एक डिटेल आपने लिखे जाना है, एक ऐसे बना देना है इसका, एक्सेप्शन की हेडिंग दे दीजिएगा और उस एक्सेप्शन में इरेगुलरिटी के नीचे फिर कुछ लिख दीजिएगा, नेग्लिजेंस के नीचे कुछ लिख दीजिएगा, फॉर्जरी के नीचे कुछ लिख दीजिएगा। एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन इज फॉर्जरी, फॉर्जरी जीम की आवाज है, फॉर्जरी इसका मतलब होता है झूठ बोतान। Implied authorities of the partners in firm, implied का मतलब understood, मौजूद partner की authorities in firm में। Implied authorities का मतलब है जब आप एक company के partner हैं तो company के नाम पर या आपका कोई भी act उसकी जिम्मेदार company हो सकती है। इस तरह से दो तरह की एक्ट्स हैं, पार्टनर अगर ये काम करेगा तो जिम्मेदार कंपनी होगी, पार्टनर अगर दूसरी किस्म के काम करेगा तो कंपनी उसकी जिम्मेदार नहीं है। यानी कि पार्टनर के पास ऐसी अथॉरिटी है कि वो जो काम भी करेगा उसकी कंपनी जिम्मेदार हो जाएगी, क्योंकि पार्टनर कंपनी के साथ जुड़ा होता है, वो उसकी शनाख्त होती है।
इम्प्लाइड अथॉरिटी इज एन अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की वो अथॉरिटी है विच बाइंड्स द फर्म, जिससे फर्म भी उसके साथ बाइंड हो जाती है, बाउंड हो जाती है बाय हिज एक्ट, उसके काम की वजह से अंडर लॉ, ये कानूनी मामला है। जैसा कि एज दैट, जैसा कि एक्ट डन बाय अ पार्टनर इज ऑन बिहाफ ऑफ अ फर्म, क्योंकि अगर पार्टनर फर्म की बिहाफ पर कोई एक्ट कर रहा है तो जहरी बात है फिर कंपनी ही बाउंड हो जाएगी, तो केस कंपनी पर हो सकता है। यूज़ द नेम ऑफ फर्म, फर्म का नाम इस्तेमाल करता है पार्टनर, तो कंपनी पर अगर कुछ गलत हुआ केस हो सकता है। एक्ट डन इज़ फॉर बिजनेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ फर्म, अगर वो ऐसे काम करता है जो कि कारोबारी हवाले से फर्म के लिए हैं। कैसे, बात समझ नहीं आई, चलो एग्जांपल देते हैं। ये शख्स पार्टनर, ही कैन बारो मनी, ये पैसा उधार ले सकता है, वापस नहीं करेगा तो कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है। परचेज गुड्स, कंपनी के लिए ये चीज़ें खरीद रहा है, तो कल को पार्टनर को नहीं कंपनी को पकड़ा जाएगा, तो सारे उसमें मेंबर शामिल होंगे। ग्रांटिंग द रिसिप्ट, ये किसी को रिसिप्ट दे सकता है कि मैंने ये चीज़ वसूल की है, समझे कि ये कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है। टू प्लज, वादा कर सकता है, पूरा करेगा, नहीं करेगा तो कंपनी पर केस। टू रिसीव मनी, पैसा ले सकता है, तो इसने नहीं लिया, समझो कि कंपनी ने लिया है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, और ये अकाउंट्स की सेटलमेंट कर सकता है, किसी को कितना पैसा देना है, लेना है, ये कर सकता है। गलत होगा तो कोर्ट से कंपनी के ऊपर सूट होगा। एक्ट्स आउटसाइड इम्प्लाइड अथॉरिटीज, ये वो एक्ट्स हैं जो जिसमें कंपनी जिम्मेदार नहीं है, जिसमें कंपनी का लो कोई लेन देन नहीं है, जैसे कि एट्रीब्यूशन टू डिसाइड डिस्प्यूट, पार्टनर चौधरी बन के कोई डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट वो डिसाइड करवाता है, तो कल को कोर्ट कंपनी पर केस नहीं करेगी, वो कहेंगे जी इसने डिस्प्यूट को डिसाइड कराया है, तो इसने एट्रीब्यूशन इख्तियार लिया था अपने हाथ में, तो ये खुद जिम्मेदार है, कंपनी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। टू ओपन बैंक अकाउंट ऑन हिज नेम, एक शख्स अपने नाम पर बैंक अकाउंट खोलता है और लोगों को कहता है कि पैसा इसमें डालो, बाद में पैसे हड़प कर जाता है, कंपनी को बंद करने के लिए कोर्ट में सूट होता है, तो लोग कहेंगे नहीं उस आदमी को पकड़ो, क्योंकि उसका अपना अकाउंट है, तो कंपनी लायबल नहीं है। कंप्रोमाइज टू एनी क्लेम, किसी भी चीज़ पर कंप्रोमाइज करता है, उसका पर्सनल फेल है, कंपनी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। विदड्रॉल ऑफ सूट, वो अपना कोई केस वापस लेता है, तो कंपनी का उससे कोई लेन देन नहीं। एडमिट एनी लाइबिलिटी, वो कोई जिम्मेदारी लेता है, कंपनी का लेन देन नहीं। ट्रांसफ़र इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपनी कोई प्रॉपर्टी वो बेचता है, लेता है, उसका अपना मामला है। एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, अगर वो किसी शख्स से एग्रीमेंट कर लेता है, फर्म की बिहाफ पर पर्सनल एग्रीमेंट करता है, तो वो उसका मामला है, कंपनी फर्म रिस्पॉन्सिबल फिर भी नहीं होगी। सो इम्प्लाइड अथॉरिटीज़ का मतलब है वो कौन सी अथॉरिटीज़ पार्टनर के पास हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, और वो कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो इम्प्लाइड नहीं, जिसकी कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं। दो बातें जहन में रखेंगे, लिख देंगे और ठीक हो जाएगा जो आप लिख देंगे। कोई अपनी समझ सोच से भी आपने काम लेना है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। दो वर्ड ऊपर या नीचे होने से कुछ भी नहीं होगा। यू आर नॉट कंप्यूटर, यू आर ह्यूमन बीइंग। ऐसा ऐसा पेपर चेकर भी आदि हो जाएगा, बहुत अच्छा लिखेंगे तो पेपर चेकर आदि हो जाएगा, बहुत अच्छेगा तो नील भांडे कहाँ जाएंगे। लास्ट टॉपिक, कंट्रीब्यूटरीज, कंट्रीब्यूटर का मतलब होता है हिस्सा लेने वाला। कंट्रीब्यूटरीज इन वाइंडिंग अप ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनी, एक कंपनी अनरजिस्टर्ड है, वाइंड अप हो रही है लीगल तरीके से, कंट्रीब्यूटरीज कौन होते हैं।
वो क्या है? कंट्रीब्यूटर्स वो होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं किसी को पैसा देने के, बस। जो भी किसी को पैसा देने का जिम्मेदार है वो कंट्रीब्यूटरी है, हिस्सादार है। कंपनी बंद हो रही है, दिवालिया हो गई थी, जिम्मेदार कौन है? फिलहाल शख्स है, फिलहाल मेंबर है, वो कंट्रीब्यूटरी है। हु इज लायबल टू पे और कंट्रीब्यूट टू द पेमेंट ऑफ, जो जिम्मेदार होगा पेमेंट का। पेमेंट किस तरह की? डेट है, आपने कोई कर्ज लिया हुआ बैंक से। एनी सम फ्रॉम द एडजस्टमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ द मेंबर, कोई भी रकम जो कि मेंबर्स के राइट्स को एडजस्ट करती है, वो रकम देने का जिम्मेदार कोई भी है, वो कंट्रीब्यूटर है। अरे भाई मैं सिंपल कह रहा हूँ, किसी का कर्ज देना है, कंपनी बॉन्ड हम बंद कर रहे हैं, फिलहाल शख्स के पैसे देने, बैंक के देने हैं, कौन देगा? जो जिम्मेदार है, देने का मिजाज है, वो कंट्रीब्यूटर है। किसी के राइट्स को सेटल करना है, कोई मेंबर है उसके पैसे बनते हैं, वो जो पैसे देने की ये जिस आदमी को मिजाज जिम्मेदार करार दिया जाएगा, ही इज कंट्रीब्यूटरी। कॉस्ट्स, कोई खर्चा हुआ है, कंट्रीब्यूटरी ने देना होता है। चार्जेस, एक्सपेंसेस कंट्रीब्यूटरी ने देने हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंट्रीब्यूटरी, अब कंपनी ख़त्म हो गई, बता दिया गया फिलहाल शख्स जिम्मेदार है और इसने मेंबर को भी पैसे देने हैं, बैंक के पैसे भी इसी ने देने हैं और बाकी एक्सपेंसेस भी इसी ने देने हैं। अब एक शख्स वो कंट्रीब्यूटरी है। अब कंट्रीब्यूटरी की अगर डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड विल बी लायबल, उसके बेटा उसका लायबल होगा, उसका बेटा पैसा देगा। ये पठान का कर्ज है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। कंपनी में कोई एक शख्स डिफॉल्टर हो गया, कंपनी डूब गई और जिस जिसको पैसा देना है उसी ने देना है। एक पठान था, उसने किसी को 1 लाख रुपया कर्ज दे दिया और जिस आदमी को कर्ज दिया वो उसकी डेथ हो गई। पठान उनके रिश्तेदारों के पास गया और उसने बड़ा कहा कि भाई मेरे पैसे देने हैं तो पैसे दे दो। खैर कोई भी आगे ना बढ़ा, कोई भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने बस उस शख्स की कब्र पर 4 ईंटें रखी और फिर एक चादर चढ़ाई और फिर वहाँ पर एक लंगर का इंतज़ाम किया और उसके फैमिली मेंबर्स को जाकर कहा कि जी आप आ जाइए और लंगर खा लीजिए। लंगर जब खुलने लगा तो उसने कहा जी जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसका असल वारिस है, वो जरा सामने आ जाए ताकि लंगर उसी के हाथों से शुरू कराया जाए। तो बस उसका बड़ा बेटा सामने आ गया और पठान लंगर भूल गया और उसने कहा मेरे पैसे काट। तो इस बात से कहते हैं कि पठान का कर्ज जो है वो बड़ा मुश्किल होता है और वो पठान लेकर रहता है। तो ये पठान का कर्ज है। कंट्रीब्यूटरी अगर मर भी गया तो उसके बेटे को, कंपनी के बाकी लोगों को जो पैसे देने हैं, बैंक को देने हैं, देने पड़ेंगे। तो कंट्रीब्यूटरी का मतलब यहाँ पर ये है, ऐसा शख्स जब कंपनी वाइंड अप होने लगे और ऐसा शख्स जिसने तमाम लोगों का रांझा राजी करना हो और उनको पैसे देने हों, उसे कंट्रीब्यूटरी कहते हैं। सुनाई सफी।